वेलकम बैक एवरी वन टू अनदर एपिसोड ऑफ द क्यू एन ए वेनेसडे, क्योंकि वेनेसडे को हम डाल रहे हैं, दैट्स द ओनली रीजन, नथिंग एल्स बियॉन्ड दैट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट एंड हेल्पिंग अस रीच क्लोजर टू द गोल ऑफ 100K इफ वी हैव नॉट ब्रीच्ड येट. एज दिस वीडियो इज बिंग अपलोडेड, पता नहीं कब आएगा, बट अगर हो चुका है तो समझ लो कि पुराना था, एंड हो चुका है तो नहीं हुआ है तो कर लो, मदद कर दो हमारी 100K पहुंचने के लिए. एंड अगेन द थ्री ऑफ अस आर बैक ऑन द सीट टू आंसर द क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने पूछा था इन द कम्युनिटी पोस्ट जो हमने डाला था. एंड टू दोज हु कीप ऑन आस्किंग कि हाउ डू वी आस्क द क्वेश्चन, कीप अ नोट ऑन द कम्युनिटी टैब. हम वहाँ पर डालते हैं महीने में एक बार एटलीस्ट के क्वेश्चन अपना डाल दो, वी आर टेकिंग इट फॉर द क्यू एन ए वीडियोज एंड देन यू कैन यू नो आस्क द क्वेश्चंस. I'll take a leap of faith over here and thank you guys already for 100K. If it's not there, you can comment as you wish to Saibyo Furtado. We take no responsibility. But let's just start with the questions. And the first question is there anything that exists like a gateway for spirits to come and leave, like a door? Yes. It does. It does, जिसको portals भी बोलते हैं, कुछ लोग stargates बोलते हैं, stargates and see, it's like जैसे we have energy centers in our body, हमारे chakras हैं, which itself are portals. Each chakra is a portal. It is a new dimension in itself within us. And उसी तरीके से earth में भी chakras होते हैं. Earth has its own chakras. And every chakra is a portal. So earth like before you start commenting, how can earth have chakras? Energy points. North pole, south pole होता है वैसे. वो भी energy points. Yes. So these are main energy points. These are very powerful energy points. जिनमें से some of the chakras of earth or the main energy points are Mount Kailash, Mount Shasta, Uluru in Australia, Stonehenge in Glastonbury. Egypt pyramids and और भी और एक दो हैं, आई एम फॉरगेटिंग देम. एनी वेज, सो ये जैसे मेन एनर्जी पॉइंट्स है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी पोर्टल्स एंड माना जाता है दैट यहाँ पर इंटर डायमेंशनल यू नो शिफ्ट्स होते हैं, बट दीज आर द मेन वंस. इसी तरीके से और छोटे 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 पोर्टल्स बहुत सारे हैं. एंड इस बारे में मुझे क्यों पता है, लाइक आई थिंक इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर मी. ठीक है, पढ़ते तो बहुत चीज़ें हैं, बट एवरीथिंग जो कि इंटरनेट पे इज़ नॉट ट्रू. बट सो आई दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू मी बाय माई डैड आफ्टर हिज पासिंग. वंस ही आई मीन आई थिंक 10 years बैक, उनके पासिंग के एक साल बाद ही विजिटेड मी एंड आई वेरी डिस्टिंक्टली रिमेंबर आस्किंग हिम कि पापा आपको तकलीफ नहीं होती है, हाउ डू यू कम एंड गो. यू रिमेंबर आई हैड शेयर्ड दिस विद यू. How do you come and go? आपको तकलीफ तो नहीं होती है, because he very often visited me, he was guiding me, he still guides me. So उस time पर उन्होंने मुझे बताया था कि पूज एंड ही हैड यूज अ वर्ड, मैं वो वर्ड पूरा भूल गई हूँ. ही डेंट यूज द वर्ड पोर्टल, ही डेंट यूज द वर्ड स्टारगेट. उन्होंने कुछ एक सम वर्ड ही यूज, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड विच इज यूज बाय द इन द स्पिरिट रियल आई थिंक. सो ही सेड कि And he gave me a direction. He gave me a. He pointed out a place. कि यहाँ पे ये portal है. मैं यहाँ से आता जाता हूँ. And this place is very close to my house. So that's when I asked him a lot of questions. And when he told me that छोटे-छोटे portals भी होते हैं. One more thing. ये visible नहीं है. जैसे हम इसमें what is that movie? Doctor Strange वगैरह में जो हम देखते हैं कि पोर्टल खुल रहा है राउंड उस तरीके के. That is just an artistic representation. Exactly. So it's not. नहीं, एक कई लोगों ने memes and videos दिखाए थे कि all fake. अरे मैंने उस दिन मेरे को एक दो तीन लोगों ने बोला कि देखो यहाँ पे पोर्टल खुला है जहाँ पर गोल दिख रहा है and all. And you know, and they there will be video. I don't know if the video is already out or not. I am planning to as a na like. Make these videos. अगर आपको नहीं पता है तो हम अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे डिबंक करते रहते हैं. जस्ट यू कैन कंटिन्यू, जस्ट आई एम जस्ट एडिंग ऑफ टू व्हाट यू हैव सेड एंड आई थिंक साइबोबिया हैज को भी पता नहीं अबाउट दिस. सो द वीडियो वेंट वायरल वेयर दिस पीपल वेयर सेइंग दैट यू नो व्हाट वी समवन हैज
because with the power of some sound frequency they have opened up a portal and the portal looked so real ekdam karke to wo video bana ke wo insaan ne dala hai and as usual the story goes ke now FBI uske piche padi hai and all bullshit crap jo kuch bhi hota hai and the video went viral at least 10 people sent me ke are yaar aisa hota hai kya and I'm like you know ki guys just use one simple logical thing don't see the editing don't see anything in there just use one thing when you are seeing ke there is a portal you know opening wahan pe aapke samne and there is nothing happening to the environment aap ek jaise pooja bol rahi thi na ke it's like a shift you are like creating a rift between dimensions to open up a door it will affect everyone that is in the environment from electricity to the human body to the human mind everything will get affected I'm not saying we have experienced but this is what will happen when interdimensional shift happens so the portals are not visible ye invisible energy fields hain they are just high energy fields sirf ek portal hai jo ki visible hai just one portal जो कि विजिबल है और मूविंग पोर्टल है एंड दैट इज द फेमिनिन एनर्जी दैट इज द फीमेल एवरी फीमेल इज अ पोर्टल द वूम्ब इज अ पोर्टल फॉर इंटर डायमेंशनल शिफ्ट ऑफ सोल्स क्योंकि वूम्ब स्पेस में ही यू नो थ्रू द वूम्ब स्पेस इट्स लाइक द स्पिरिट कम्स फ्रॉम द स्पिरिट रेल्म टू द फिजिकल रेल्म सो येस एवरी फेमिनिन एनर्जी एवरी फीमेल बॉडी इज अ पोर्टल नाइस And coming to the paranormal side of it, yes, wo bhi hote hain where spirits do come in and go out and certain things affect karte hain wo portals ko jaise ki aap logon ne humko bhi suna hoga ki you know what this kind of feels like it's a portal kyun bolte hain kyunki ek jagah pe itne sare kaand ho chuke hain emotionally as in murder ho chuka hai crime ho chuka hai massacre ho chuke hain if the place is not cleansed or not corrupted in a good way by human beings as in wahan pe activities nahi ho rahi hai wo jagah aisa hi you know sunsan pada hua hai there is no energy exchange that is happening that place with time kind of becomes a spot of battery like it becomes like a battery for the spirit world as a result kyunki itna constantly use hota hai by the spirit world it kind of becomes like a portal where something happens and anyone who is investigating those areas even for that matter us we kind of feel a shift or change in energy jo ki apan ko baki jagah pe nahi milta hai like ek step up aage lo feeling is different ek step up piche lo and you are like in a whole complete zone which happened to us in our last tour to Mahabaleshwar where we were expecting something else but when we entered the house the whole thing had changed we don't know if there is a portal or anything But yeah, things like this do happen and from a very paranormal point of view as well. And portals can be created also. Portals natural bhi hote hain because of the elements that are there in a particular place. And you can also create portals. Kaise create karna hai, hum nahi batayenge because pata chala havoc create ho raha hai. So we'll not tell you exactly how you create portals, but it some portals are man-made and that's the reason you can find a lot of disturbances happening in your own house, in your own vicinity. You will start seeing souls and spirits from different dimensions is entering and going and whatnot and everything and you will feel the disturbance so even I'm just thinking right now it's slowly becoming like podcast member se dissect karta if you just think you know like a family who is constantly quarreling and angry and kind of like gali galo chal raha hai jhagda kar raha hai ultimately see, even though everyone is fine wo fir bhi aur negativity ghusti hai ghar ke andar hota hai na you know so even there also they're kind of indirectly opening a portal only same way if a family is constantly on the other side of the spectrum good things happen to them so good things are coming to them where it's coming from a gateway ये छोटे-छोटे portals yeah I mean it's like see अगर family के आपस में ही अनबन है right that point of time some member of the other will try to find recourse in on a stranger right तभी जाके एक stranger उसके अंदर घुसेगा family के बीच में counselor बनके या mediator बनके then you're giving the key to your door to somebody else yeah so in the same way if you have a lot of differences between yourself mentally you're not at peace in your own family that opens a portal for someone else to get attached yeah misfortunes yes to the next one Next one is quite good. How can only few people sense paranormal activity and not others even though they are around that particular person?
इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर ऑल द पीपल हु गो के लेकिन हम तो भांगड़ घूम के हमको तो कुछ नहीं दिखा हमको तो फील नहीं हुआ हम भी तो वो चर्च गए थे हमको तो नहीं दिखा कुछ ऐसे तो अरे बहुत लोग बोलते हैं यार इधर वो रात को वहां पर गए कुछ नहीं होता एक सांप नजर आया और कुछ नहीं अबे तुम लोग मतलब क्या है इट्स लाइक मतलब इतने सारे दैट्स व्हाई यू नो वी कॉन्स्टेंटली से गाइस कि ऑल दिस थिंग्स ना इवन इन द थिंग्स इन द पैरानॉर्मल वर्ल्ड ये ना इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपको बस ना अपना लॉजिकल माइंड यूज करना होता है कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है कैसे हो रहा है बस यू जस्ट हैव टू थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा भूत ना ऐसे ही होने चाहिए दैट्स द मोस्ट क्लीशेड एंड मोस्ट स्टूपिड कंडीशन पीपल हैव दैट भूत्स आर सपोज टू बी लाइक दिस स्पिरिट्स आर सपोज टू लुक लाइक दिस नहीं तो नहीं होते वैसा नहीं होता जब आप वसाई फोर्ट गए थे फॉर एग्जाम्पल एंड वहां पर आप खड़े थे एंड सडनली आपको ठंडा लगा इवन तो देर वॉज नो विंड वो वहाँ पे स्पिरिट मैनिफेस्ट हो रही थी बट आपने क्या क्या बोला अरे नहीं भूत थोड़ी ऐसा थोड़ी ठंडा देगा मेरे को तो कहीं से हवा हो रहा होगा शायद हो रहा होगा उसका कोई बात नहीं है उसका हम डिबेट कर सकते हैं बट वी आर सेइंग स्पिरिट को एक्सपीरियंस करने का देर इज नो सेट ऑफ रूल्स इज वाई वी यूज साइकिक्स वी यूज गैजेट्स वी ऑल्सो यूज एप्लीकेशन फ्रॉम द फोन येस लॉट ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑन फोन आर फेक But why do we use certain ones which other investigators also use and are created by certain investigators? Because there's no harm in getting answer from another point of view, na? Ultimately, हम क्या कहते हैं? ये हमारी टीम का है, बाकी मुझे पता नहीं. हमारे टीम का सबसे important role ये है that we all give different point of views to one situation. And at the end, they're all connected and we all join in this one common line जो कि हम form करते हैं. So, when we use different device, it is just कि जो हम feel कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं आई थिंक बाय द टाइम दिस वीडियो कम्स आउट वी आर ऑलरेडी मिड वे ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन वी डिड इन अम्बोली एंड वहाँ का अगर आप इन्वेस्टिगेशन देखोगे सो मेनी थिंग्स दैट वी आर फीलिंग वी आर कैप्चरिंग इन द डिवाइस आवाज़ें आना वॉट सैवियो भैया वेंट थ्रू वॉट पूजा वेंट थ्रू एंड ऑल दोज थिंग्स आई डोंट नो वो सब आया या नहीं आया बट यू विल सी इफ यू हैव नॉट सीन इट येट एंड दैट्स वाई प्लीज डू नॉट बी इन दैट बिलीव के यू नो वट के कुछ लोगों को दिखता है कुछ लोगों को नहीं दिखता है नहीं इट इज कि कुछ लोगों को जब दिखता है तो वो एक्नॉलेज करते हैं क्वेश्चन करते हैं बिलीव करते हैं डाउट करते हैं क्यूरियस होते हैं एंड कुछ लोग होते हैं कुछ होगा यार छोड़ना दैट्स द कॉमन बेसिक डिफरेंस एंड मैं अगर स्पिरिट के तरफ से बताऊं तो स्पिरिट भी जो ये है कि अरे जाना छोड़ना वो उसके पास नहीं जाएगा ही नहीं वो नहीं जाएगा because, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिल रही है एंड सो मेनी ऑफ दिस पीपल या तो मैं तो बोलूंगा कि स्पिरिट एक्चुअली जाता भी है और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता भी है लेकिन फिर भी लोगों को महसूस ही नहीं होता या तो रियलाइजेशन नहीं होता कि ये दिस इज बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द स्पिरिट एंड इन अ वे आई थिंक लाइक पूजा सेड इवन द स्पिरिट विल बी लाइक कौन जाएगा इसके पास एग्जैक्टली छोड़ना है का बात करूंगा दैट एवरी गर्ल चाइल्ड हैज बीन अब्यूज्ड इन द फैमिली और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज बाय सम फैमिली मेंबर इटसेल्फ बट लुक अराउंड यू और तुम बोलोगे चाचा मामा फूफा फूफी किसको भी बोलोगे नहीं ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता एग्जैक्टली वो डिनायल में डिनायल में है पीपल लिव इन डिनायल इन फैक्ट इवन द मदर विल से नहीं ऐसा कुछ नहीं हाँ ऐसा मत कहो नहीं तो फिर यहाँ का शांति भंग हो जाएगा और यू विल कॉज अ डिस्टर्बेंस इन द फैमिली द प्रॉब्लम इज योर ओन बिलीफ एंड योर मिसबिलीफ योर डिसबिलीफ इफ यू स्टार्ट बिलीविंग इफ यू कीप योर माइंड ओपन लिसन टू द चिल्ड्रन हु आर कंप्लेनिंग टू यू एंड स्टार्ट इवेल्युएटिंग योर ओन relatives in that light at that point of time investigation pura hoga and you will know who is right and who is wrong and yahan par log kya sochenge syndrome bhi to aata hai na this is so connected even to the paranormal ki pehle insaan denial mein rehta hai ki nahi aisa sab kuch nahi hai ye nahi hai usko hata dena hai and uske baad this yeah That's your answer, guys. I know we are ranting a lot, but we are kind of charged up. Been ranting. connected hai, I think Pooja can answer this because you have already answered. The next question is, how does an entity choose ke kiske samne I should manifest? Like, how does it choose this? वही है that the entities they can sense
कि उन्हें कौन सेंस कर रहा है, दे नो कि उन्हें कौन एक्नॉलेज कर रहा है, दे ऑल्सो रीड एनर्जी. वो लोग भी एनर्जी ही हैं, भले वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो या फिर सेंसिंग ऑफ एनर्जीज हो, दे कैन सेंस कि उन्हें कौन एक्नॉलेज कर रहा है, उन्हें कौन फील कर रहा है, एंड वो उसी के पास जाएंगे जो उन्हें एक्नॉलेज कर रहा है. जो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, व्हाई विल दे वेस्ट टाइम? दीज आर स्पेशली फॉर एंटिटीज, दोज हु आर आस्किंग फॉर हेल्प, दोज हु आर वांटिंग अटेंशन, स्पेशली उनके लिए. No, I mean, see, it goes much more deeper than that, you know. There should be a reason why people or why animals, for that matter, or plants will come to you, right? There are some animals who feel very comfortable with only certain amount of people. दूसरों के साथ नहीं होता है कंफर्टेबल. सो इन द सेम वे इवन द स्पिरिट्स ऑल्सो दे आर फीलिंग लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड दैट्स रीजन दे वॉन्ट एन एफिलिएशन विद समवन एंड ओनली देन दे विल अप्रोच दैट पर्सन. अगर उनके पास से, आपके पास से अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है, आपके पास से क्यों आएंगे वो लोग? वाई विल दे स्पेंड दैट एनर्जी? उनके पास ना मुंह नहीं है खाने के लिए या पेट नहीं है पचाने के लिए, तो उनका मेटाबॉलिज्म काफी अलग होता है. इतना मशक्कत करते हैं टू गेट दैट आउंस ऑफ एनर्जी. Yeah, why show will they, a small exactly a spike or whatever like that? Why will they want to spend it on somebody who is not even believing in them? Right. Like I always give the same example everywhere. कि आप ढाबे पे जाओगे, तो कुत्ता रहेगा वहाँ पर. पहले दिन पे अगर आपने उसके पास हड्डी फेंकी, तो दूसरा दिन वो आएगा कुत्ता, understanding that okay fine that this person knows me, will give me, will feed me, so तुम्हारे पास आएगा. पहले दिन अगर आपने कुत्ते को अगर कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, तो दूसरा दिन कुत्ते को पता है यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो एनर्जी कहीं और खपाएगा, किसी और के पास जाएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा. एंड द फर्स्ट डे अगेन आपने कुत्ते को अगर समझो डांट के या तो पत्थर लेके या तो छड़ी लेके मार दिया, तो दूसरा दिन कुत्ता आपके ऊपर भोंकेगा. सो व्हाट यू डू, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्पिरिट्स एज वेल. ऑलराइट, फोर्थ वन, how did you guys do inner child healing and what process did you use to open up your psychic abilities? Aida, ab jo ye pura hi inner child healings hai na, wo all of us have done in some spectrum or the other. एंड वो बताने जाए तो इट विल बहुत ही इसी इनर चाइल्ड हीलिंग ऐसे एक दो दिन का काम नहीं है. इट टेक्स इयर्स टू हील योर इनर चाइल्ड, समटाइम्स लाइफ टाइम, इट्स लाइक अ डेली प्रोसेस. या लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर इनर चाइल्ड. क्योंकि क्या होता है कि इनर चाइल्ड के जो ट्रॉमाज हैं वो रिफ्लेक्ट होता है इन वेरियस फॉर्म्स, भले वो सेल्फ वर्थ इश्यूज हो, सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो, या फिर अनलव फीलिंग हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, पैनिक्स हो, जो भी है, बहुत वेज में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं. नाउ ये इनर चाइल्ड आपका जो यंगर वर्जन है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे देखो, मैं तकलीफ में हूँ, मैं पेन में हूँ, लेकिन द अडल्ट यू क्या कर रहा है, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है. इनफैक्ट यू आर ट्राइंग टू नंब योर पेन, यू आर ट्राइंग टू नंब योर सेंसेशंस बाय प्रोबेबली बिंज वॉचिंग टीवी, उसके साथ में बिंज ईटिंग, उसके बाद उसके ऊपर अनकंट्रोल्ड इनटेक ऑफ एल्कोहल, वेयर यू आर जस्ट नंबिंग योर सेंसेशंस, वेयर यू डोंट वांट टू फील योर पेन. सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट एक्नॉलेजिंग व्हाट योर इनर चाइल्ड चिल्ला चिल्ला के जो बोल रहा है. आई थिंक ये जो सारे पोस्ट होते हैं ना कि वी सो मच मिस आवर यंगर सेल्फ, स्कूल के दिन अच्छे होते हैं, एंड फॉर पीपल लाइक दोज, यू नो व्हाट आई थिंक यू शुड फिगर आउट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, भले इतना इंटेंस नहीं हो, बट दिस ऑल्सो अफेक्ट्स योर इनर चाइल्ड. एंड यू विल सी द थ्री ऑफ अस व्हेन वी आर इन टूर्स एंड ऑल, we do some of the stupidest things जो कि बच्चा ही कर सकता है. मुझे बोला जाता, मुझे जज किया जाता है that act your age and I'm like bullshit. I'm going to be what I am. You like me, you don't like me, I don't care. That's how it should be. Like we went to the tours and if we start counting our age and everything and do accordingly, हम लोग उस दिन क्रिकेट खेल रहे थे, हम पूल में जाके, well, there was a flamingo I was floating on because I was being, like being flamingo. It was a flipping flamingo. I was on it on the pool. जो लोगों ने attend किया है tours, you know okay what I was doing, but I liked it because that's my inner child enjoying things जो कि उसको हर दिन नहीं मिलता है करने को, हर दिन मुझे pool नहीं मिलता है. Same way the other day people who follow me, we went to the Martin Garrix show. We don't like crowded places. We don't like to be around ऐसा, you know, people who are in their own different zone. नहीं अच्छा लगता. But why did I convince Pooja and there was one more friend? Because मेरा inner child का मन था कि you know what, मेरे को ना बचपन से मन है to attend Martin Garrix का show. एक बार तो मैं करूंगा, भले उसके बाद मैं नहीं करूं,
सो दैट्स व्हाई सो मेनी ऑफ दिस बकेट लिस्ट लोग क्यों बना के रखते हैं, बिकॉज बचपन में वो नहीं कर पाए. एंड दैट्स व्हाई सो मेनी ऑफ दिस थिंग्स, आई एम श्योर इवन साइवो भैया डज इट नाउ, पूजा डज इट, आई हैव सीन हर, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे एट वन स्टेज, बट नाउ दैट दे हैव अंडरस्टूड दे वॉलंटरली गो एंड डू इट. And that's the fun of it. And there are so many traumas that every child and every person has been through. Yes. Like, I mean, if, you will see even now also, right? Now, hospital mein jao ya ghar pe jao, jab ek infant ghar pe rehta hai, that infant is treated like a vegetable. Yeah. Aap uske saamne kuch bhi baat karoge, aapas mein ye wo sab kuch. Some people even go to the stupid extent of saying that humko ye ladki nahi chahiye thi, humko ladka chahiye tha. Right, this is gone in that, yeah. in the year. लड़की वो टाइम पे, बच्चा वो टाइम पे भले ही नहीं पहचानता हो कि कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट चल रहा है घर पे, बच्चा खुश है अपना इसमें जो भी है, खाना पी रहा है, व्हाटएवर मिल रहा है, ऑल दोस थिंग्स. बट माँ कौन सी दुविधा में स्थिति में यू नो केयर कर रही है, या डैड किस हालत में घर पे आ रहा है नहीं आ रहा है, सोसाइटी का क्या प्रेशर बनता है, इन लॉज का क्या प्रेशर बनता है, अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ दैट फैमिली विच इज द चाइल्ड. The child senses everything. Not only after birth, but even when the child is in the womb, वो सब सेंस करता है. वहीं से inner child healing मेरे ख्याल से शुरू हो जाता है. ये तो scriptures में भी है, महाभारत में. Even in the past life, वो past life का पूरा trauma लेके आता है. So in the womb itself, we start healing the child since then. Like I mean, for my daughter, womb regression किया है मैंने, where I have seen people speak things out which they were shocked to realize ki they have heard their dad speak so and so things to their mom while they are in the womb. Bahut deep hai bhaiya ye, bahut saal lag jaate hain. And then you will understand ki why the child is affiliated or you know has an affinity to one particular parent or something like that. Why? Because wo jab womb mein tha na, usse kuch sab 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 gaya hai andar, sab suna hai. Jaise ki I mean ye Abhimanyu and Arjun Chakravyuh wala scene hai, Chakravyuh ka. Exactly, all of this really happens. I laughed when you said ki they treat like vegetables because there is a meme, no, ki bachcha, this is completely out of topic, just enjoy for the sake of the meme, कि बच्चा पैदा होता है एंड एवरीवन सेज ये किसके तरह दिख रहा है, किसके तरह दिख रहा है, किसके तरह दिख रहा है, एंड समवन कम्स एंड सेज लुक्स लाइक अ पोटैटो, किसके तरह दिखेगा. शिट, दैट वाज, दैट इज टू अर्ली ना. हमको ना आई थिंक ये Q&A हटा के रैंटिंग वेडनेसडे कर देना चाहिए. बट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट गाइज वी वांट टू इंट्रोड्यूस अ मंथली सेगमेंट. मंथ में एक बार आएगा. दिस पीपल हैव नो आइडिया, दिस इज माय प्लान, के इफ यू गाइज आर you know, जैसे आप लोग बहुत memes बनाते हो टू द थिंग्स दैट वी से, डू वन थिंग, मेक इट मोर प्रोफेशनली एंड ईमेल अस ऑन द ईमेल आईडी बिलो, एंड वॉट वी विल डू इज विल मेक अ सेपरेट सेगमेंट रिएक्टिंग टू द memes यू आर मेकिंग एंड टू द memes यू आर टैगिंग अस ऑन, यू नो, मेक इट लाइक अ मंथली थिंग. वी विल रिएक्ट टू इट, विल गिव आवर व्यूज, ओपिनियंस. आई थिंक इट विल बी अ फन सेगमेंट जो कि होगा. मंथ में एक ही बार डालेंगे हम उसको, ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे तुम लोग कहां से कहां जा रहे हैं करके. बट इट विल बी अ फन वन, आई थिंक अ लाइट. आवर इनर चाइल्ड नीड्स दिस, सो वी पुट इट. सो आई पुट द लिंक, योर मीम्स, द मीम्स व्हिच यू थिंक आर रिलेटेबल टू अस, फील फ्री टू ईमेल अस एंड वी विल रिएक्ट. एंड टू द लास्ट वन ऑफ दिस एपिसोड, आर यू गाइस स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग? आई नो पूजा का. Everybody knows Pooja now. If you don't know, she loves lizards. Yeah, absolutely. She loves the way she likes to hate lizards. For you, is I think that's phobia, that holes wala phobia. Yeah. Bats. Not bats. Bats se cringe aata hai because of the dropping ka smell. Yeah. Wo pura andar ingrained hai. I think I don't get scared of anything right now. But then phobia. Yeah. Cringe hota hai because of that. What is that called? Trypophobia. A lot of people have that. Seeing too many holes or patterns together. Cringe hota hai usse. And a mild form of probably arachnophobia as well, like big spiders who can attack you, like you said, bird eating spiders. Yeah, bhai dur rehna. Lizard phobia ka kuch naam nahi hai na? Hoga. Hoga. Lizard phobia. For me. Whereas I mean, paranormal world mein bachpan se nahin, I've never been scared of anything. Like that, dark or whatever. For me, I don't know actually. I think I'm still exploring that part as well. Ke main kaun sa cheez se darta hu. For me, I kind of have backup for every situation, and for that reason, I'm not scared of things. It's like, let's say there's a wild dog which is not sane,
एंड जिस बाइटिंग पीपल फॉर एक्स वाई जी रीजन एंड आई हैव टू क्रॉस दैट पाथ, माई बैकअप इज काटेगा तो मेरे को भागने का है अभी इंजेक्शन लेने. सो आई थिंक आई बैकअप प्लान फॉर एवरी थिंग, बट आई एम हैप्पी टू एक्सप्लोर एंड वेन आई गेट टू नो विच आई नो फॉर श्योर विल हैव दिस क्वेश्चन अगेन एंड देन आंसर. Yeah, I mean, fear ke maamle mein, it's not fear as such. I always keep exploring. I mean, as I said, arachnophobia or even trypophobia right now. When people send me images and all, I'm okay with it. I'm okay with seeing everything. I'm not okay with lizards. Wo matlab jo meri list thi na ki mujhe ye apne fears hatane, lizards sabse last. I think at one point driving was a chota mota fear for me. And but see, that is why, because you not explored it. Exactly. That's the part. And now that I know, I'm not scared of it. Not scared of driving. The same thing over here also. Exactly. I mean, when I talk about spiders and everything, I'm very much open to even keeping a spider on my hand or whatever like that. That is all right. I think with spiders, coming to spiders, bachpan mein I was very scared. But as I grew up, I started liking them for some reason. So now when I see one, it looks like some ये बात करना शुरू कर देता है. Talking to an insect. मैं भी बात कर रहा हूँ. But I talk में क्या कर रहा है तो इधर? अरे उधर से जा ना, उधर से रास्ता है. नहीं, मैं भी बात करता हूँ. मैं spiders से बात करता हूँ. I love everything. I mean, I love every animal, every form of animal for that matter. You might say it's cringe or whatever like that. I get scared, you know why? Because उनकी जो consciousness है of some spiders, because they are wild in nature. Those big spiders I'm talking about, they're wild in nature. तो उससे connect करने को थोड़ा time लगता है. जैसे कि like you know, you never stare at a gorilla. Yeah. तो gorilla becomes aggressive. Yeah. But same thing अगर आप दूसरे species से करोगे like a dog will retreat. Like it. Yeah. Yeah. It'll retreat. Mm. It'll know. Okay. Fine. You know what? You're aggressive. Mm. But that same thing will not work for a gorilla. Yeah. There are different ways to treat different animals. Yes. Yes. Spiders के इतने you know 8-10 आँख होते हैं. No. So exactly that's what I'm saying. It's see वो क्यों आता है? Because you don't have a backup plan. Getting me what I'm trying to say. बैकअप प्लान क्या है कि हाउ इट विल रिएक्ट. लाइक यू डोंट हैव अ बैकअप प्लान इज वायर माई थिंग्स आर ऑल्सो लाइक दैट. सिंस आई हैव प्लान फॉर देम आई एम नॉट स्केर्ड, बट आई थिंक देर विल बी समथिंग जिसके लिए मेरे पास प्लान नहीं होगा. बिकॉज वेन वी एनकाउंटर दिस स्पाइडर्स, जंगली स्पाइडर्स, इवन दो आई लाइक देम एंड आई डोंट आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम, आई सी वन आई एम लाइक यू नो व्हाट, इससे ना दूर रहते हैं. एग्जैक्टली. इट्स लाइक प्रिकॉशंस. इट्स नॉट फियर, इट्स लाइक टेकिंग प्रिकॉशंस. फॉर एग्जांपल, आई मीन सीइंग अ क्रोकोडाइल इन अ लेक, यू विल नॉट गो टुवर्ड्स अ क्रोकोडाइल, राइट? एंड यू कैन नॉट कॉल इट अ फियर ऑफ क्रोकोडाइल्स. यू लाइक द क्रोकोडाइल्स, इट्स ओके, बट डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है. इट्स लाइक फियरिंग के नहीं प्लेन क्रैश हो जाएगा एंड नॉट फ्लाइंग. वैसा नहीं होता. आई हैड दैट फियर. बहुत डर था मुझे. हम लोग फालतू कर रहे हैं अभी. द एपिसोड हैज एंडेड गाइस. दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच अगेन. थैंक यू वेरी वेरी मच. एंड एज यूजुअल, हमको पता नहीं है बाय द टाइम कब कौन सा सब्सक्राइबर काउंट में होगा जब ये वीडियो आएगा. एंड थैंक यू सो मच अगर आपने 100K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए. नहीं किया है तो हेल्प कर दो, बिकॉज वी आर एक्चुअली टारगेटिंग जुलाई एंड. सो अगर उसके आगे पीछे कभी भी होता है तो चलता है, उसके पहले हो जाए. या सो वी आर आई थिंक दिस बाय द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग दिस वी आर 16K अवे, ऑलमोस्ट 15K अवे. एंड कर दो, दैट विल बी ग्रेट. एंड थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट द सपोर्ट एंड द लव. कीप शावरिंग दोज थिंग्स. वी लव जो मैसेजेस आप करते हो, जो कमेंट्स आप डालते हो. इट्स योर कमेंट्स एंड द मैसेजेस दैट इज मोटिवेटिंग अस टू यू नो गो बियॉन्ड सर्टन वेज एंड ट्रेडिशंस टू क्रिएट और टू आंसर और टू रिसर्च एंड टू चैलेंज आवरसेल्व्स. एंड वी विल कीप डूइंग दैट. यू नो, थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर एंड सी यू सून. बाय. चढ़ा चेकिंग 1 2 3 चेक तुम्हारा ही चालू है एक्चुअली एंड ठीक.